అందాలని కంటి కాటుకతో రాసే ఉంటాడే నాను దుటి రాతలనే కేసరియా రంగు నిన్న సంగవు నింతూనే ఓనావా ఊగల సోనే ఎన్ మీది వార్వీల్ నీయ వేంటుమే ஊயிரானா என்றால் அது போதுமே கேசரியா தேரா இஷ்க் ஹேப்பியா ரங்க ஜாவும் ஜோ மே ஹாத் லகாவும். ஹாய் ஹலோ சஸ்ரியா கால் யூ ஆல் ஆர் வாட்சிங் மீ அட் பஞ்சாப் கேசரி நவோதய டைம்ஸ் மே ஹூ ஆப்கே சாத் நமிதா சச்தேவ் ஆர் ஆப் ஜானதே ஹேன் மேரே சாத் கௌன் ஹை உன்கே பாரே மே இத்னா ஜரூர் கஹூங்கி கி கௌன் கஹதா ஹை ஆஸ்மான் மே சுராக் நஹி ஹோதா எக் பத்தர் கோ தபியத் சே உச்சால் கே தோ தேகோ கியூங்கி உன்கா டேலண்ட் கா ஆர் ஃபேம் கா ஜோ நாதா ஹை நா வோ பஹுத் புரானா ஹை और अभी तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके बारे में ट्वीट किया है. यस वी हैव विद अस मिस्टर स्नेहदीप सिंह कलसी. स्नेहदीप बहुत बहुत स्वागत आपका पंजाब केसरी पर. कैसे हैं आप? सत श्री अकाल. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. इट्स अ प्लेजर टू बी हियर. अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कैसी वाली फीलिंग होती है जब देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके ट्वीट को रीट्वीट कर देते हैं और आपके ट्वीट पे वो कमेंट करते हैं अच्छा सा कि आपने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया है परफेक्टली. सो मतलब कैसा महसूस हो रहा है अभी? एकदम ही अनएक्सपेक्टेड और शॉक वाला फीलिंग होता है जब विश्वास नहीं होता है ना? और हुआ था तब मैंने 2-3 बार स्क्रीन रिफ्रेश किया था कि सही तो है ना कि शायद फैन अकाउंट होगा शायद दूसरा अकाउंट होगा ये वेरीफाइड अकाउंट है कि नहीं. बट हाँ इट वाज पिंच करने पर भी जो आपको यकीन नहीं होता ना वो वाला फीलिंग था. हाँ अभी पिंच कर लिया है ना है ना अभी यकीन हो गया है ना. तो घर वालों ने मिठाई उठाई तो बांट दिया होगा ना इस बात पे? नहीं. हाँ मतलब वो तो मुझसे भी ज्यादा खुश थे तो उन्होंने वो किया. अच्छा देखो बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर कि आपने एक हिंदी फिल्म के सॉन्ग को बॉलीवुड सॉन्ग को 5 अलग-अलग भाषाओं में गाया है. अच्छा जहां तक मैं जानती हूँ ये जो विजन था ये बहुत अच्छा और एक बड़ा मैं कहूंगी प्योर था अंदर से. अपने फ्रेंड्स को आपने डेडिकेट किया था फ्रॉम बैंगलोर चेन्नई हैदराबाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग है ना जी. तो सिर्फ उन्हीं को डेडिकेट करना चाहते थे या पूरे देश भर को भी समर्पित करना चाहते थे गाना पहले से? नहीं नहीं मुझे एक्सपेरिमेंट करना लैंग्वेजेस के साथ बहुत पहले से पसंद है. अच्छा. क्योंकि मैं हूँ पंजाबी लेकिन मैं पला बड़ा गुजरात में हूँ. अहमदाबाद से हूँ मैं. अहमदाबाद मेरा होम टाउन है. फिर मैं 5.5 साल बैंगलोर रहा हूँ. बैंगलोर कॉलेज में हर प्रांत से लोग मुझे मिले हर रीजन से लोग मिले. कोई जम्मू कोई नॉर्थ ईस्ट कोई ईस्ट बाकी सदर्न स्टेट से भी. तो उनके साथ दोस्ती हो गई तो ये एक्सपेरिमेंट करने का कीड़ा और ज्यादा बढ़ गया. तो दोस्तों के लिए फिर वो लोग वो बोलते रहते हैं ना कि यार तू हमारे लिए कभी कन्नड़ा सॉन्ग नहीं गाता हमारे लिए कभी तो ये वाला सॉन्ग नहीं गाता. अरे पर रिक्वेस्ट किया है तू बस वही अपने गाने गाता रहता है कभी ऑडियंस कभी सुनाकर. तो जब ये आया और मैंने देखा इसके सारे वर्जन अलग अलग लैंग्वेजेस में भी है इन 4 लैंग्वेजेस में तो मैंने सोचा कि यार ये करूंगा तो इसका रह जाएगा ये वाला लैंग्वेज करूंगा तो इसका रह जाएगा. तो सभी सो दैट्स हाउ आई डिड इट. एंड उसके पीछे कोई ये थॉट नहीं था कि मतलब कुछ बड़ा वैसे करना है. तो मुझे तो लगता है कि दोस्तों के लिए किया तो वो मेन था तो उस हिसाब से किया मैंने. और पता है क्या जब अच्छी इंटेंशन के साथ हम कुछ करते हैं ना और कुछ बड़ा हो जाता है तो फिर तो मतलब उसके तो कहने ही क्या. तो दोस्तों का पहले रिएक्शन या एक्शन आया था कॉमेंट आया था या सीधे मोदी जी का आ गया था पहले? नहीं नहीं दोस्तों का बहुत ज्यादा पहले रिएक्शन आ गया था. मैं तो डिनायल स्टेट में ही था कुछ हो नहीं रहा है ये सब ट्विटर पे ऐसे ही 1-2 दिन हो रहा है वायरल नहीं है ये हो जाएगा मतलब एवरीथिंग विल बी बैक टू जस्ट नॉर्मल होता है वैसे. लेकिन वो लोग बोलते थे नहीं नहीं ये देख अभी देख किधर पहुंचेगा. फिर जब आनंद महिंद्रा जी ने किया तो उसके बाद यार तुझे कह रहे थे ना सो वो तो बहुत दोस्त लोग तो सबसे ज्यादा खुश होते हैं. अच्छा वैसे ये तो है लेकिन मैं जैसे बोलना भी चाह रही थी कि चलो मोदी जी ने तो किया ही जब आपके खुद के बॉस ने कर दिया पहले तो वो भी तो मतलब बढ़िया सा लगता है ना कि बॉस बड़े इंप्रेस हो गए अभी. उनको तो पता होना चाहिए ना कि मैं उनका एम्प्लॉय हूँ. मैं तो ज्वाइन अभी कुछ टाइम पहले किया है. उनको तो पता भी नहीं है कि ये वन ऑफ माय कंपनीज में काम करता है. ये तो वैसी बात हो गई क्योंकि ना मोदी जी को हम सब जानते हैं.
वो हम सबको तो नहीं जानते राइट, बिल्कुल पता हाँ भी नहीं है कि कौन स्नेहिधि। अब खैर उन्होंने ट्वीट किया तो शायद थोड़ा बहुत याद हो के, अक्का तो शायद वैसा वाली आनंद महिंद्रा जी के साथ भी वैसा ही, उनको भी नहीं पता था। और मुझे लगा शुड आई रिप्लाई ऑन द ट्वीट सेइंग के अभी अभी आपकी कंपनी ज्वाइन की है। मैंने बोला नहीं नहीं रुको, अभी सिर्फ थैंक यू बोलते हैं। और बट आई एम श्योर अब उनको पता होगा कि क्या बात कर रहे हो यार, मतलब मुझे पता होता लग गया होता कि मेरी कंपनी का बॉस मेरे नाम से ट्वीट कर रहा है, नहीं जानते हुए कि मैं कंपनी में जॉब करती हूँ, मैं लेटर लिख देती, ईमेल कर देती कि मैं आपकी कंपनी ज्वाइन की हूँ अभी अभी कोई बात नहीं। कोई बात, मतलब ये जो हम्बल एटीट्यूड है ना, यू बीइंग सो मॉडेस्ट एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट इन यू आई बिलीव, है ना। थैंक यू सो मच। अच्छा इवन मैं ये भी जानना चाहूंगी, मतलब दिस पैशन इज इन यू नॉट ओनली अभी से, ये पहले से है आपके अंदर। ये गाना तो मैं सुनूंगी देखो पांचों लैंग्वेजेस में, ये तो सुनना ही है मुझे, बट ये मुझे पता है कि आपको बचपन से सिंगिंग का, लाइक म्यूजिक का, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का काफी शौक है। आप और भी इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाना जानते हो, गिटार, सितार, है ना, हारमोनियम इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो जी। ये बचपन से कैसे चला आ रहा है, फैमिली बैकग्राउंड भी आपका म्यूजिक से जुड़ा हुआ है? सो मॉम साइड सारे के हाँ सारे कीर्तन गुरुद्वारे में करते थे, ओ मतलब वाह जो भी ग्रेट गुरुद्वारे का गुरबाणी का प्रोग्राम हो कहीं पे भी तो वो लोग वहाँ पे होंगे। और मैं नान के ज्यादा जाता था बचपन में, सबसे अच्छा ज्यादा वहीं होता था हर वीकेंड स्कूल के बाद, जी मतलब वहीं जाना है। तो छोटा सा हाँ था तब मेरे मामा किसी को ढोलक सिखा रहे थे, तो मैं वहां घूम रहा था खेल रहा था, तो फिर वो देख देख के मैंने कहा मुझे बजानी है, और फिर मैं सीख गया उसको। तो हाँ शुरुआत ढोलक से हुई थी शुरुआत, लेकिन फिर मैंने मम्मा को देखा कि हारमोनियम, गुरुद्वारे में हारमोनियम पे कीर्तन करते हैं, तो हाँ मैंने बोला मुझे भी चाहिए हारमोनियम, मुझे भी सीखना है। तो मम्मी ने भी उसमें लगाया कि चलो गाता तो है। स्कूल में भी इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, असेंबली प्रेयर्स हो गई, अच्छा तो ओ वेरी उसमें नाइस मैं पार्टिसिपेट करता रहता था। फिर मुझे पूरी स्कूलिंग ऐसे ही रही मेरी, मैं थ्रू आउट द स्कूल लाइफ एवरी संडे आई एम, सैटरडे संडे आई एम एट द गुरुद्वारा एंड आई एम सिंगिंग गुरबाणी शब्द की। वाह क्या फिर बात है। उसके बाद इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में मैंने सोचा बकायदा कुछ सीखना चाहिए, तो फिर मैंने हिंदुस्तान क्लासिकल की तालीम लेना शुरू किया, श्री मनीष कापड़िया जी से जो वहाँ एक लोकल गुरु हैं। उसके बाद 4 साढ़े 4 साल उनसे सीखा, फिर बैंगलोर मूव हो गया एमबीए के लिए। फिर वहाँ थोड़ा सा ब्रेक आ गया तो कोई और टीचर नहीं ढूंढ पाया, लेकिन जो उन्होंने सिखाया था वही कंटिन्यू किया। और फिर जब जनवरी 2020 में मूव किया मुंबई, तब मैंने यहाँ पे एक लोकल गुरु के साथ अनवर खान साहब, उनसे सीखना शुरू किया। तो वही चीज़ कंटिन्यू रखी, और साथ साथ में बिकॉज कॉम्पिटिशन्स कोई ना कोई आती रहती थी तो उसमें पार्ट लेते रहते थे, और लोगों को पसंद आता था तो मैं लोग हर हर कोई अपना कुछ ना कुछ शेयर करता था सोशल मीडिया पे, तो मैं अपना गाना ही शेयर करता हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम पे कवर्स शेयर करता था, तो अरे कवर कर। वाह ओके वेरी नाइस। अच्छा मैं ये भी जानना चाहती हूँ, आजकल तो इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं ना जहाँ पे आप रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, पहले भी आपने जब अपनी कंपनी में भी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा ना कि फेम का और आपका नाता, टैलेंट का और आपका नाता पुराना नहीं है, वो तो बरसों से चला रहा है। एक तो म्यूजिक सिंगिंग ये पैशन हो गया आपका और इंस्ट्रूमेंट बजाना, दूसरा आपने रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यंग ऑन्टरप्रेन्योर्स वाले, है ना। एक था मारुति सुजुकी कलर्स ऑफ यूथ, टैलेंट यस यस हाँ हंट रियलिटी शो था, उसका सीजन 5 अच्छा वो जीता था मैं। हाँ दैट वाज इन 2016, सेकेंड ईयर ऑफ माय एमबीए। अच्छा ओके और उससे पहले 2013 में रेडियो सिटी सुपर सिंगर का सीजन 4 हुआ था अहमदाबाद का, हाँ तो हर सिटी का होता था सुपर सिंगर ऑफ दैट सिटी, सो अहमदाबाद का उस साल का वो फिर मैं जीता था। बट ये लोगों को जीत जीत से पहले वाला सीजन बताता हूँ, मैं आई थिंक मैंने शायद किसी इंटरव्यू पे नहीं बोला, बात हो रही तो कह रहा हूँ कि हाँ सीजन 4 जीतने से पहले सीजन 3 में मैंने पार्टिसिपेट किया था, ऑडिशन भी क्लियर अच्छा नहीं किया था, ऑडिशन भी क्लियर सीरियसली नहीं। जी ये सुपर सिंगर का नेक्स्ट ईयर ओके अगेन, नेक्स्ट ईयर अगेन फिर से ट्राई किया, एंड तब मैं ऐसे एटीट्यूड से गया था कि शायद नहीं है, इसमें भी नहीं होगा, बस अपने दिल हाँ से गा आ जाओ। वो दिल से गा के आने हाँ में हो गया। फिर जो टैलेंट हंट रियलिटी शो एमटीवी पे जो टेलीकास्ट हुआ था मारुति सुजुकी वाला सीजन 5, उसके सीजन 4 में पार्टिसिपेट किया था मैंने, फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीए में। राउंड सारे क्लियर हो गए थे बट आई हैड टू चूज बिटवीन एग्जाम एंड फाइनल राउंड, तो मैंने सोचा भाई नहीं आप डिग्री लेने आए हैं, तो ये एक बार ये कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि इसमें बैकलॉग लग जाए, वो भी ना जीत पाओ, मतलब वो भी रह जाए और फिर ये बैकलॉग हो जाए,
मन तो वहीं जाने का था क्योंकि वो शो दिल्ली में था, वो जिसका जो फाइनल था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगले साल ट्राई करेंगे। अगले साल फिर आया, फिर मैंने पार्टिसिपेट किया एंड लकीली इस बार एमबीए खत्म हो गया था मेरा। उसके बाद उसका नेशनल्स था, आई थिंक 30 मार्च को ही था। तो मैंने फिर मैं गया था दिल्ली उसके लिए, और फिर जीता था वो मतलब लोगों के हाथ में एक लड्डू नहीं आता है, आपके हाथ में दो दो तीन तीन लड्डू एक साथ है ना, उनको इनकैश कीजिए सबको। वो लड्डू तो नहीं था, वो एग्जाम के बीच में, उसके बीच में ऑफ कोर्स पढ़ाई पहले जरूरी थी जिसके लिए बैंगलोर गए थे, तो वो चुनना पड़ा। तो ऐसे तो मतलब कह सकते हैं कि पढ़ाई की तरफ ज्यादा इंक्लाइन है, सिंगिंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइन है, किस मतलब पलड़ा किस चीज का ज्यादा भारी है अभी ये बताओ पहले। म्यूजिक, ऑलवेज म्यूजिक। म्यूजिक इट इज अबाउट टाइम, जिस वक्त पे जो अभी गाड़ी किस तरफ मोड़नी है वो वैसे सोचना चाहिए, कि तब था कि नहीं अभी डिग्री पूरी कर लेते हैं जिसके लिए माँ बाप के भी पैसे लगे, तो वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और वो एक उनको भी रहता है ना कि मतलब अभी बैकलॉग नहीं आनी चाहिए। मतलब पेरेंट्स मेरे थोड़े ऐसे हैं कि भाई म्यूजिक के लिए पूरा सपोर्ट है लेकिन स्टडीज में कमी नहीं आनी चाहिए, ऐसे मतलब वो नहीं होना चाहिए। तो दोनों बैलेंस किया है, और अब टाइम के हिसाब से फिर वो डिसीजन ऐसे लेते रहते हैं कि अभी आई थिंक यहाँ थोड़ा मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, क्योंकि अब म्यूजिक ज्यादा सर्वोपरि है। अभी तो म्यूजिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आफ्टर पढ़ाई लिखाई खत्म होने पे। वेरी नाइस। और वो कहते भी है कि अपने पैशन को प्रोफेशन बनाते हैं तो और ज्यादा आगे निकलते हैं, इस बात को इतना मानते हैं आप। कोशिश तो वही है उस तरफ ही जाने की, एक एक छोटा छोटा स्टेप ले रहे हैं। मम्मी डैडी को मना लोगे ना? नहीं अभी तो पढ़ाई लिखाई हो गई ना, उसके बाद कुछ हाँ मतलब मैं तो ये सोच रही थी यार कि मतलब मोदी जी ने कमेंट किया, आनंद महिंद्रा ने कर दिया, अभी करण जौहर और आयान मुखर्जी का कॉल आ गया है नहीं अपनी नहीं अब अगली लिए। नहीं, वो उनको पता है, वो एक्सपर्ट्स है अपनी फील्ड में, उनको जब सही लगेगा तब तो वो चेक कर लियो ले टाइटल लेंगे। आपको कार्ड। अपना बस काम करते रहना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो आपका कितना इंक्लिनेशन है यार बॉलीवुड की तरफ, ये भी बता दो ना हमको, प्लेबैक अच्छा सिंगिंग। गाना, अच्छा म्यूजिक, जहां हो हमारा इंक्लिनेशन वहां हो जाता तुसी अपने मेनू ये सारे लैंग्वेजेस विच ना सुना दो जरा, केसरिया तमिल तेलुगु हिंदी मलयालम, वन मोर लैंग्वेजेस देयर नो, फर्स्ट कन्नड़ा। फर्स्ट फर्स्ट इज मलयालम, हाँ फर्स्ट डन। मलयालम, देन इट्स तेलुगु, देन कन्नड़ा, देन तमिल, एंड देन इवेंचुअली अपना हिंदी। हाँ तो ये अभी पंजाब केसरी को डेडिकेटेड है ना, जी जी आप सभी को, नहीं नहीं फिर सभी को जो सुन रहे हैं उनको। भी देश भर को समर्पित है अभी ये गाना फिलहाल तो है जी ना। विन्नीलयुन्ना तारमे निलगिल्ला भूमियिल अरिया देवी नदो अंदालानी कंठी काटुक तो रासे उंटाड़े नानु दुटी रातलने केसरिया रंगू निन्न संगवू निंतु निन्ने ओना बा उगला सोने एन मीदी वार विल निये वेंडु में ऊराना इंद्राल अद पोद में केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया, मतलब कमाल कर दिया आपने, एकदम मेस्मराइजिंग आवाज आपकी। अगर वैसे कभी मौका मिल जाए बॉलीवुड में एंटर करने का, प्लेबैक सिंगिंग करने का, और आजकल कोलैबोरेशंस कितनी ज्यादा होती हैं आपको पता है, तो कौन से बॉलीवुड सिंगर के साथ आप कोलैबोरेट करना चाहोगे बता दो प्लीज। श्रेया घोषाल, अरे वाह क्या बात मतलब दैट इज द फर्स्ट दैट केम टू माय माइंड, डू इट। श्रेया, श्रेया जी, जोनिता गांधी, सुनिधि हाँ चौहान, आई लव देम, आई लव देम। तो मतलब अभी प्लानिंग पूरी हो गई है ना, उस राह पे निकल लिए हो ना अभी आप। वो राह पे तो हम कब से निकल चुके हैं, ये एक छोटा सा जंक्शन, एक बड़ा जंक्शन आ गया है हाँ और चलती रहेगी गाड़ी आगे। महिंद्रा जी थोड़े दिन के बाद फोन करके बोलेंगे नहीं 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 यू कांट गो, यू कांट गो, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते है ना। देखिए उसका क्या होता है। जस्ट किडिंग, यू जस्ट डू योर वर्क अलॉन्ग विद योर पैशन ऑल्सो, बिकॉज यू आर द वन हु इज इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली मैं कहूंगी द फ्यूचर ऑफ आर कंट्री, यंग जनरेशन जितनी भी है उनको आप इंस्पायर कर रहे हैं, दैट्स अ ग्रेट डील एंड ग्रेट थिंग है ना। थैंक यू सो मच। मतलब चलते चलते हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए क्या कहना चाहोगे आप?
उन सभी को मैं यही कहूंगा कि बस जिस चीज में आपका दिल हो ना, वो चीज कर लेनी चाहिए। और हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ा सोच समझ के आप थोड़ा सा वे आउट करके अपने ऑप्शंस, लेकिन वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि हमने ट्राई नहीं किया। तो ट्राई जरूर कर लेना चाहिए और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए एक बार एक कदम जरूर बढ़ाना चाहिए। और साथ ही ऐसे देखना चाहिए कि आपके वो करने से आसपास जिस सोसाइटी में आप हैं, जिस देश में आप, जिस वर्ल्ड में आप हैं, आप क्या सोसाइटी को क्या दे पा रहे हैं। सोसाइटी तो आपको देती ही है, परिवार आपको देता है, सभी लोग आपको कुछ ना कुछ देते हैं, सीखते जाते हैं आप, लेकिन व्हाट इज दैट यू गिव बैक टू द सोसाइटी। सो वो एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी तरीके से। मतलब मैं अगर गाने के थ्रू किसी को सुकून दे पा रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कोई दूसरा काम कर रहा है, उसकी वजह से किसी का घर चल रहा है, सो वो अच्छी चीज हो जाती है। किसी को आप अगर फिजिकली कुछ मटेरियलिस्टिक दे सकते हैं, वो एक अच्छी चीज हो जाती है। अगर किसी को इनटेंजिबल चीज कुछ दे सकते हैं, वो एक अच्छी चीज हो जाती है। तो आप सोसाइटी को वापस क्या दे सकते हैं, वो आई थिंक सभी को थोड़ा सोचना चाहिए। एंड आई थिंक आजकल सोशल मीडिया भी इसमें काफी हेल्प कर रहा है कि हम लोगों की आवाज सब तक पहुंच पा रही है इसके थ्रू, है ना। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। बस जाते जाते एक चीज और पूछ लेती हूँ आपसे, केसरिया का पंजाबी वर्जन भी लेके आ रहे हो ना आप? सो ये सबने मुझे पूछा। मैं नेट के ऊपर देख रहा था कमेंट्स के, मराठी किधर है, गुजराती किधर है, पंजाबी क्यों नहीं गाया। तो मैं वही उनको कहने की कोशिश कर रहा था इंटरव्यूज के थ्रू। आई होप सब तक पहुंचे, जितनों को कमेंट कर सका मैंने किया है। कि मैंने कोई अपनी तरफ से लिरिक्स लिखे नहीं, जो क्रिएटर्स है, ओरिजिनल क्रिएटर्स ने जिन लैंग्वेजेस में इसको रिलीज किया, मैंने उन्हीं को आगे लेके बनाया। हाँ हाँ, सो एब्सोल्युटली। माई इंटेंशन वॉज नॉट टू मिस एनी लैंग्वेज और हैव अ बायस। बाकी स्टैंड अलोन तो पूरे पूरे गाने, आप अगर इंस्टाग्राम पे जाएं मेरे या यूट्यूब पे जाएं, तो देर इज अ सॉन्ग इन मराठी, देर इज अ सॉन्ग इन पंजाबी में तो काफी है, तो गुजराती में भी गाया है मैंने, बंगाली में भी है। सो वो आपको मिल जाएगा वहां पे। मैशअप नहीं किया, फिर वो हो जाता है लोगों को शायद मिले सुर मेरा तुम्हारा चाहिए था पूरा गाना। हाँ वो तो तब मेरा इंटेंशन बनाते समय नहीं था, तब तो कुछ और था ना। सो वो भी कर रहे। सो चलिए, थैंक यू सो मच स्नेहदीप, एंड कीप दिस लाइक चार्म ऑन योर फेस व्हिच आई एम सीइंग, एंड दिस हम्बलनेस इन टू दिस ग्राउंडेड एटीट्यूड ऑलवेज, आई थिंक इट शुड रिमेन देयर। और आगे चलकर आप बहुत अच्छा करें, आपसे इन पर्सन मिलने का हमें मौका मिले और एक बार फिर से हम आपसे इंटरव्यू करें, आपसे बातचीत करें। थैंक यू सो थैंक मच यू, फॉर टॉकिंग टू इट वॉज अस। लवली हैविंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लाइकवाइज, थैंक यू।